हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट सपोर्ट। सो होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेंसिल स्केचिंग के बारे में। तो आज जो पेंसिल स्केचिंग है, जो मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, वो स्टेडलर का पेंसिल है, 8B पेंसिल है। ए दिस इज़ द बेस्ट पेंसिल, वन ऑफ द बेस्ट पेंसिल इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बेस्ट पेंसिल में से एक पेंसिल है स्टेडलर। तो आज हम लोग इस पेंसिल से पेंसिल स्केचिंग के थ्रू कुछ शेप बनाएंगे, कुछ लैंडस्केप के बनाएंगे। आप लोग एंजॉय कीजिए, देखिए और प्लीज़ डू प्रैक्टिस कीजिए। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए। जो इंथू लेके, जो एनर्जी लेके मैं पेंटिंग को, जो वीडियो मैं बनाता हूँ ना, वो दिस इज़ ओनली फॉर दोज पीपल हु रियली लव टू लर्न। ऐसा नहीं है कि मेरा वीडियो को बस आप ऐसे ही देख लिए और सीख लिए, ऐसे नहीं होता। प्लीज़ उसको पूरा देखिए, आप लोग सीख पाएंगे, मेरा प्रॉमिस है। तो मैं इधर थोड़ा सा से बना रहा हूँ। तो पहले हम लोग शेप को ड्रॉ करेंगे, ट्री का एक शेप बना लिया हम लोग। ये वॉल्यूम होता है ऐसा। ये सब जो मैं कर रहा हूँ ना, ये सब वॉल्यूम के लिए कर रहा हूँ मैं। बाद में आप लोगों को पता चलेगा कि वॉल्यूम एक्चुअली है क्या, कैसे वॉल्यूम को किया जाता है। देखिए मैं ये भी, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऐसे मैं ड्रॉ कर लिया। ये पेंसिल का एक बेनिफिट जो है, पेंसिल में कभी भी कुछ भी खरोच वगैरह कुछ भी खड़ा भी नहीं होता है। ये पेंसिल का पूरा पार्ट आप यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ पेंसिल होल्डर, इफ यू आप देन इट विल बी मोर इजियर टू फिनिश द पेंसिल। यू कैन यूज़ द पेंसिल एंड ऑफ द एकदम लास्ट पार्ट तक आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए एकदम स्मूथ आप और एकदम डार्क इफेक्ट देता है ये। तो पहले तो हम लोग इसका बेस जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो शेडिंग है, उसके ऊपर फोकस करेंगे, जो कि इतना डार्क रहेगा। उसके बाद हम लोग एक एक करके उसका एक एक पार्ट को डार्क करेंगे इंडिविजुअली। जितना नीचे आएगा वो डार्कनेस धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। ऐसे अगर आप लोग ट्री को ड्रॉ करेंगे तो आप लोगों के लिए ट्री ड्रॉ करना इजी हो जाएगा वो, और वो उसमें आर्ट का जो फ्लेवर होता है वो भी रहेगा। तो एकदम बच्चों जैसा भी नहीं रहेगा, एकदम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप लोग इसको इजी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। और एक बात सही है, बच्चों जैसा ड्रॉइंग करना ईजी नहीं है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि जो एक्सपेक्टेशन हम रख रहे हैं कि ऐसा बने, उसके लिए तो आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं नीचे वाला ट्री का नीचे वाला हिस्से को मैं और थोड़ा डार्क करना चाहता हूँ, तो मैं इतना डार्क कर रहा हूँ, इतना किसी एक पार्ट को डायरेक्टली सडनली बहुत ज़्यादा डार्क मत कीजिए। उसको सराउंडिंग जो भी है उसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं। अच्छे से सोच समझ के, एकदम देख देख के आपको ड्रॉ करना है ऐसे।
फिर एक दीवार जैसा कुछ है जो पहले कुछ घर जैसा हुआ करता था, अभी ऐसा नहीं है, ऐसे में थोड़ा सा टेढ़ा बनाया मैं इसलिए। ऐसा करने के बाद हम लोग धीरे 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 ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन बहुत लाइक थोड़ा सा रफ रफ एरिया है जहाँ पर ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है, थोड़ा सा डस्ट रा सैंड ये सब है, डेजर्ट जैसा। तो थोड़ा सा ऐसा हम लोग एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जो कि हड़बड़ी मत कीजिए, धीरे 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 देखिए आप लोग, और आप लोग सीख जाएंगे कैसे मैं पेंसिल को कहाँ कहाँ पे कहाँ कहाँ पे मैं पेंसिल को डार्क कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे लाइट कर रहा हूँ, ये सब चीज़ आप लोग सीख पाएंगे इजीली। मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, इतना स्लोली कर रहा हूँ कि कोई भी इसको देख के स्टडी कर सकते है। कॉपी मत कीजिए, कॉपी करने से आप सीख नहीं पाएंगे। नया कुछ रेफरेंस लेके उसमें आप लोग इसको ट्राई कीजिए, आप लोग बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को, मेरा वादा है और दावा भी है कि आप लोगों को मिलेगा इसका बेनिफिट्स। देखिए इतना छोटा सा एरिया में मैं क्या क्या कितना कैसे कैसे बनाया, और भी मैं धीरे धीरे इसको डेवलप करूँगा। ज़्यादा ट्री वगैरह नहीं बनाऊँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ये जो एरिया है ये बहुत ही झोपड़ी एकदम झाड़ी इधर ज़्यादा है, जो ट्री भी है वो भी उतना भी ग्रीनरी ट्री नहीं है। एक ट्री है उसका बाजू में झाप झोर झाप ज़्यादा है, तो वही हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे उसमें। पेंसिल चलाने के टाइम ये जो साउंड है ना, ये सबसे प्यारा साउंड होता है एक आर्टिस्ट के लिए, स्केचिंग ड्राइंग आर्टिस्ट जो भी स्केचिंग जो भी हुए उसमें ये जो साउंड हम लोगों का कानों में आ रहा ना, चिक 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 चिक, ये बहुत ही सेटिस्फेक्ट एक साउंड है, सेटिस्फेक्शन देता है हम लोगों को। हम लोग जो लोग भी ड्राइंग पेंटिंग में इंटरेस्टेड रखते हैं, हम लोगों के लिए ये साउंड किसी इसराज के साउंड से कम नहीं है, किसी पियानो के साउंड से कम नहीं है। हम लोग बहुत पसंद करते हैं ये जो साउंड होता है चिक 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 चिक। आप लोग अगर मेरे साथ सहमत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलिए कि आप लोगों को क्या कैसा लगता है ये साउंड। और अब लोग अब जब तक ना आप ये साउंड मतलब क्रिएट कर सकते तब तक आप लोगों का मतलब ड्राइंग स्किल उतना डेवलप नहीं होगा। आप लोग मान लीजिए आप लोग बार बार धीरे धीरे ड्रॉ करते और इरेज करते रहते तो वो इफेक्ट नहीं रह सकते, वो जो मैं जैसे बना रहा हूँ वो इफेक्ट आना इज क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो आप लोग प्लीज़ 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 इसे ऐसा स्टडी कीजिए जैसे कि आप लोग कुछ सीख पाए, नया चीज़ सीख पाए आप लोग। हम लोग अभी इधर क्या कर रहे हैं, इधर ऊपर से नीचे तक इसका स्लैंटिंग जो मूड है वो बना रहा हूँ। इधर हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा ट्री इधर बनाएंगे जो विच इज़ नॉट दैट मच डार्क, इतना ही
ये जो स्लैंटिंग है, ये जो अप एंड डाउन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आपका पेंटिंग नॉर्मल बन जाएगा। देखिए इसका दोनों, ये हाइट ऊपर है, ये हाइट नीचे है, लेकिन ये आदमी आगे है, ये आदमी पे पूरा ऑपोजिट है, क्योंकि ये बहुत ग्राउंड लेवल बहुत नीचा है। तो ये सब चीज़ जब तक आपका पेंटिंग में नहीं आएगा, आप लोग पेंटिंग वही मोनोटोनस वही मोनोपॉली फॉलो करेगा। तो ट्राई कीजिए कि आपका पेंटिंग थोड़ा सा न्यू स्टाइल और टेक्निक के साथ बने। इधर हम लोग एक स्टोन ऐसा बड़ा स्टोन रखेंगे जो थोड़ा सा मिट्टी का अंदर है और थोड़ा बाहर है। स्टोन हम लोग थोड़ा मज़े से बनाएंगे स्टोन को। हम लोग थोड़ा सा इसका वैल्यू जो है इसको थोड़ा अप एंड डाउन करेंगे। जैसे इधर हम लोग थोड़ा डार्क लाइट करेंगे क्योंकि ज़रूरी है, नहीं होगा तो थोड़ा जहाँ जहाँ पे लाइट चाहिए वहाँ वहाँ पे लाइट यूज़ करना, नहीं तो डिस्टेंस नहीं आएगा। सेम डिस्टेंस पे सब कुछ अच्छा नहीं लगता। स्टोन कभी भी एक ही जगह पे पूरा स्टोन यूज मत करिएगा। स्टोन के मतलब है, स्टोन कहाँ से आया, मतलब इसका स्टोनी एरिया है तो इधर उधर एक दो स्टोन आप लोग ऐसा रैंडमली आप लोग यूज कर दे सकते हैं।
छोटा छोटा एलिमेंट्स देखने में छोटा है, लेकिन ये इसका जो काम है ना, ये बहुत ही क्रूशियल होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये छोटा छोटा लाइन्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं पेंटिंग में। कभी भी इसको इजीली मत लीजिए, इसको भी प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। लोग सब कुछ तो कर लेते लेकिन ये जो है वो नहीं कर पाते। तो यही है आज के लिए। प्रैक्टिस कीजिए प्लीज़, डू लाइक कमेंट एंड शेयर इफ यू लाइक द वीडियो। प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई एम गोइंग टू पोस्ट एनी वीडियो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, डू प्रैक्टिस, हैप्पी पेंटिंग, बाय बाय।